अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन थर्ड ऑफ वन फोर्थ ऑफ अ नंबर इज 15, देन 3/10 ऑफ दैट नंबर इज व्हाट। यानी कि एक नंबर है उसका हमने वन थर्ड फिर वन फोर्थ करके जो आता है हमारे पास वैल्यू वो 15 आता है, ठीक है। देन 3/10 ऑफ दैट नंबर इज, उस नंबर का 3/10 क्या होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, सोल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं, तो उम्मीद आपको समझ आ जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। लेट्स कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम द नंबर, जो नंबर हमें मालूम ही नहीं है जिसका वन थर्ड या वन फोर्थ करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 15 आती है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, इसको फर्ज कर लेते हैं कि वो नंबर हमारे पास एक्स है, ठीक है। अब कंडीशन के मुताबिक, कंडीशन हमें क्या बताई गई है क्वेश्चन में, कंडीशन के मुताबिक हम देखें तो यहाँ से इफ़ वन थर्ड ऑफ, वन थर्ड का मतलब क्या है, वन ओवर थ्री, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, और फिर कहता है ऑफ वन फोर्थ ऑफ अ नंबर, वन फोर्थ मतलब वन ओवर फोर ऑफ नंबर, नंबर हमने पहले किया हुआ है ये आपके पास एक्स आ गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है और ये एक्स है आपके पास। ये करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 15 आती है, ये 15 को भी हमने लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ से देखें तो आपके पास वन थर्ड मल्टीप्लाई हो रहा है इस वन फोर्थ ऑफ दैट नंबर के साथ, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, वन फोर्थ मल्टीप्लाई बाई एक्स यहाँ पे रखें और 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लें इसको, यहाँ 1 3 है वहाँ जाकर क्या हो गया, 3/1 हो जाएगा, तो 3/3 के नीचे नहीं लिखते हैं हम, ठीक है, एक को तो नहीं लिखते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5 3 = 45, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से देखें x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 180 आएगी, वो नंबर जो है हमारे पास आ गया 180। अब नीचे कह रहा है देन 3/10 ऑफ दैट नंबर इज, अब यहाँ मालूम कर लेंगे 3/10, 3/10 ऑफ दैट नंबर, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 180 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 180, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया 3 × 18, 18 × 3 तो हमारे पास 50 और आता है, तो जो 3/10 करने के बाद जो नंबर आएगा वो 54 आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पोल इन 9 सेकेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये FPSC में आया है, कस्टम इंटेलिजेंस के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, ठीक है। तो इसका हम अभी सोल्यूशन कर लेते हैं, यहाँ पे जो गिवन डेटा है हम इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास डेटा गिवन है वो कुछ इस तरह है कि आपके पास स्पीड मौजूद है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो स्पीड है वो हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। दूसरी आपके पास जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है टाइम, ठीक है, टाइम आपके पास दिया गया है, टोटल 9 सेकेंड्स दिए गए हैं, ठीक है। आपने अभी यहाँ से मालूम क्या करना है, डिस्टेंस आपने मालूम करना है, डिस्टेंस आपने मालूम करना है यहाँ से। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा डिस्टेंस मालूम करने के लिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। लास्ट यहाँ पे जो 60 किलोमीटर पर आवर है ये वही वेलोसिटी है जो फिजिक्स में अक्सर हम पढ़ते आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो स्पीड ऑफ द ट्रेन है इसे किलोमीटर पर आवर में है वो सेकेंड्स में है, देखो ये यूनिट बराबर कर लेते हैं इसकी जो किलोमीटर पर आवर है इसको हम क्या कर लेंगे, पहले तब्दील कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो इसके हम वेलोसिटी को चेंज कर लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन,
स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को हम चेंज कर लेते हैं, इज इक्वल टू 60, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइडेड बाई एक आवर में हमारे पास 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, अब इसको हमने करने के बाद आपने अब क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। अब हमारे पास वेलोसिटी ये हो गई, वी की वैल्यू अब ये वाली आ गई। ठीक है, पहले ये थी, हमने इसको चेंज कर लिया, अब ये वाली आ गई। तो हम अभी मालूम कर लेंगे डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा, वी मल्टीप्लाई बाई टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। वेलोसिटी की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 60 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600 मल्टीप्लाई टाइम, हमारे पास कितना है, 9 सेकेंड्स है। ठीक है, अब डिस्टेंस यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं तो ये 20 इस 0 के साथ कैंसिल हो गए। ठीक है, और 9 1 जा 1 और 9 4 जा 36 आ गया। ठीक है, 4 1 जा 4 और यहाँ पे 4 15 जा 60 आ गया। ठीक है, यहाँ से 15 और यहाँ से 10, 15 मल्टीप्लाई बाई 10 रह गया, तो जो डिस्टेंस हमारे पास है वो 150 मीटर में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड्स और सेकेंड्स कैंसिल हो गए थे, आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू बची वो मीटर की बची है, तो जो जवाब आपके पास आ जाएगा ऑप्शन जो डिस्टेंस इज इक्वल टू 150 मीटर्स। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।